अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज सैटरडे का दिन था, तो स्कूल में रिपोर्ट डे था, तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग डे। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड तैमूर, ज़िवा, एजलिन, हम सब लोग आ गए थे स्कूल को रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ ये है ऑफिस रूम, तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ी देर बैठने के लिए कहा था, क्योंकि ऊपर जो है पेरेंट्स ऑलरेडी रिपोर्ट्स कलेक्ट कर रहे थे टीचर से, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो यहाँ पे ऑफिस में ये कुछ यूनिक चीज़ ला के रखे थे। ट्री था ये, गूगल मतलब AI का ट्री था, जो भी हम लोग बोलेंगे वो जैसे सीरीज रहते ना, गूगल सीरी ट्रांसलेटेड करते, वैसा वाला ट्री था ये। और थोड़ी देर के बाद 15 मिनट्स के बाद हम लोग को ऊपर बुलाए। तो यहाँ पे मैं रिपोर्ट्स वगैरह कलेक्ट कर ली थी, वहाँ का वीडियो मैं नहीं ली। तो रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के बाद अब हम लोग को नीचे जाने का था। नीचे जो है प्रिंसिपल सर का लेक्चर था, तो वहाँ पे कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे बच्चों के बारे में, पेरेंट्स के बारे में तो वो सब कुछ हम लोग थोड़ी देर बैठ के सुने। ये पूरा जो है ना सेलर में था, जहाँ जो लेक्चर होने वाला था। तो यहाँ पे मैं लिफ्ट से उतर गई थी। यहाँ पे हम लोग को चेयर्स वगैरह रखे थे बैठने के लिए। तो अभी वेट कर रहे हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ था लेक्चर। यहाँ पे जो है ना साइड में प्ले एरिया था, यहीं पर असेंबली होती मॉर्निंग में। और यहाँ लेक्चर वगैरह हो चुका था प्रिंसिपल सर का। तो यहाँ पे मैं जो है ना मेरे हस्बैंड को वेट कर रही थी हम लोग का पिकअप करने के लिए। तो यहाँ का जो है गार्डन देखो कितना ब्यूटीफुल है, छोटा सा है, बहुत प्यारा सा है, एक सुकून मिलता है यहाँ पे, बहुत ग्रीनरी है, देख के ही दिल खुश हो जाता। तो मैं थोड़ा सा वीडियो कैप्चर कर ली। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो हम लोग अभी यहाँ पे गेट से बाहर हो रहे हैं। और उसके बाद जो है ना घर को जाने के बाद लंच वगैरह करे। लंच करने के बाद यहाँ पे कुछ शॉपिंग करने का था तैमूर के लिए, तो CMR शॉपिंग मॉल को आ गए थे हम लोग यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ अच्छा रहा तो लेंगे बोल के। तो वही एक्सप्लोर कर रही हूँ मैं। सबसे ग्राउंड फ्लोर में ना लेडीज़ सेक्शन था, फर्स्ट फ्लोर में भी जेंट्स सेक्शन था, सेकेंड फ्लोर में किड्स सेक्शन था। तो वही मैं पूरा एक्सप्लोर कर रही थी, कुछ अच्छा चीज़ रहा तो लेंगे बोल के। मेरे को ना तैमूर के लिए कुछ टी शर्ट्स वगैरह अच्छे दिखे थे,
और जो है ना शर्ट्स जीन्स ऑफर में था, तो मैं ना जीन्स और शर्ट्स बाई कर ली, बाकी का दूसरा कुछ भी नहीं ली मैम। तो वो मैं घर जाके आपको बताऊंगी क्या ली, तो वो अच्छे ऑफर में था इसकी वजह से मैं वो परचेस कर ली थी। और मैं जीवा के लिए भी कुछ देख रही थी, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव था तो मैं नहीं ली, क्या नेक्स्ट टाइम करेंगे? लूँगी। मैं अभी तैमूर की शॉपिंग कर ली थी। देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग घर पे पहुँच चुके थे, तो मेरे को ऑफर में ना 3 पैंट्स मिले और जैसे 2 शर्ट्स थे, तो वो इसका मैचिंग ब्लू कलर का शर्ट और ब्लू कलर का जीन्स है इसका मैचिंग, और नेक्स्ट जो है ना क्रीम कलर का शर्ट है और थोड़ा ब्राउनिश पैंट है, और नेक्स्ट ब्लैक कलर का पैंट था, उसके ऊपर मैं शर्ट नहीं ली थी, जस्ट मैं जीन्स ले ली थी किसी मिक्स मैच करके पहनाने के लिए। तो ये वाला कॉम्बो था कुछ ऑफर में, अच्छा दिखा था तो मैं परचेस कर ली थी ये। और यहाँ पे शाम हो चुकी थी तो मैं ओपन हार्ट रेस्टोरेंट पे आ गई थी, मैं हम लोग के घर के पास ही है ये स्ट्रीट फूड टाइप, तो बच्चों का कुछ बाहर से खाने का दिल बोल रहा था तो जीवा हम लोग लेकर आने के लिए गए थे। और यहाँ पे मैं वो मेन्यू देख ली, मेन्यू देखने के बाद ऑर्डर दे दिए, ऑर्डर देने के बाद हम लोग यहाँ पे उत्तपम डोसा स्टॉल पे आ गए थे। तो यहाँ पे ना जीवा को एक लड़की बहुत पसंद कर रही थी, तो वो अरे ना अरे गोद में बता लेके दिया साइड मैंने। में उसके मम्मी डैडी को दिखाने के लिए अंदर लेके गए और थोड़ा बातें बातें करे, और उसके बाद हम लोग पार्सल घर पे ले लेके आ गए। और यहाँ पे मैं बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ सर्दियों में मिलने वाली ये तुअर की फली, आजकल बहुत अच्छी मिल रही है, फ्रेश 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 है और न्यू है ना, तो बहुत अच्छी है। तो मैं यहाँ पे आधा किलो तुवर की फली ली, उसको अच्छे से वॉश कर ली, कुकर में डाल ली, उसके बाद दो है ना 2 गिलास पानी डालेंगे, 2 गिलास पानी डालने के बाद थोड़ा सा नमक वो डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कुकर का ढक्कन लगाएंगे, एक 5 से 6 सीटी के लिए पकाएंगे इसको अच्छे से, इसको ज़्यादा गलाना नहीं है, सिर्फ 5-6 सीटी लगाना है। अब यहाँ पे देखिए सीटी हो रही है, अब जैसा पूरे सीटियाँ हो गए, मैं यहाँ पे कुकर का ढक्कन खोल दी, तो यहाँ पे हमारी फली अच्छे से गल गई। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा तोड़ के दिखाती हूँ कैसा गली, तो देखिए आप इसको ज़्यादा गलाना नहीं है और ज़्यादा कच्ची नहीं रख, अगर कच्ची रखेंगे तो ना कड़वी कड़वी दिखती, तो थोड़ा इस तरह से नरम हुए तक इच पकाना, ज़्यादा सीटियाँ नहीं लेना, अगर फली ज़्यादा है तो ज़्यादा सीटी लेना, अगर फली कम है तो कम सीटियाँ लेना, वो हिसाब से आप देख के सीटी लगाइए। देखिए अच्छे से दानेदार फली है यहाँ पे, एक भी कीड़े वाली फली नहीं थी, अगर बाद में लेंगे ना तो कीड़े हुए निकलेंगे इसके अंदर, तो अभी फ्रेशली लीजिए और मेरे इस वीडियो को देखिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखिए।